हेलो गाइस, मेरा नाम आदित्य और आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल गेमर नूड़ा में। तो गाइस, आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। तो जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा ही होगा कि हमने एक खुद का बेसमेंट बनाया था, तो चलो मैं आपको अभी एक बार दोबारा दिखा देता हूँ। बस ये ना वो बेसमेंट, जिसमें मैंने बहुत सारी चेस्ट लगा था, मेरे पास बहुत सारे बुक्स भी पड़े थे, मैंने शुगर कैन से बुक बनाई थी, तो गाइस मैंने यहाँ पर लगा दिया। और मेरे पास एन्चेंटमेंट टेबल भी था, तो मैंने उसको लगा दिया। और यहाँ पर बहुत सारी चेस्ट है, इवन थोड़ा बहुत लैपिस लाजुली रखा है जैसे कि आप देख सकते हो, और कुछ मेरे पास भी रखा है। हाँ, तो इसे इसमें रखवा देते हैं। और गाइस इस यहाँ पर ना मैंने 4 आर्मर स्टैंड लगाए हैं जैसे कि आप देख सकते हो। एक डायमंड का, तो मेरा डायमंड का आर्मर कम्प्लीट हो गया, गोल्ड का और आयरन का। तो गाइस यहाँ पर हमारा लगेगा नेदराइट का। तो गाइस जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि ये जो हमारा माइनक्राफ्ट है उसमें एक वर्ल्ड नहीं होता, उसमें मतलब दो तरह के वर्ल्ड होता है। मेरे ख्याल से आप सभी को पता हो तो बताना। गाइस आज हम लोग जाने वाले हैं, गैस करो गाइस, जिसने गैस कर लिया वो कॉमेंट में बताओ। गाइस आज हम जाने वाले हैं नेदर, और नेदर में हम लोग क्या करेंगे वो देखा जाएगा। गाइस मेरे पास 16 डायमंड पड़े हैं अभी। और गाइस पता है, जब मैंने इसमें एनचेंट करना, तो मेरी इसमें ना फॉर्चून 3 आ गई, और अनब्रेकिंग 3। फॉर्चून 3 का तो यूज़ आप सभी को पता ही होगा क्या है, ये कौन है भाई। तो गाइस अभी हम बनाते हैं फ्लिंट एंड स्टील। मेरे पास फ्लिंट तो पड़ा ही होना, ये रहा, दो फ्लिंट है भाई, बढ़िया है। बनाते हैं फ्लिंट एंड स्टील। गाइस आज हम लोग जाने वाले हैं नेदर फाइनली। अब पहली बार नेदर जाऊँगा और फिर तोड़ूँगा सबको। अब ये जो है फ्लिंट को इसमें रखवा देते हैं। मेरे पास आयरन कम है गाइस, हमें आयरन फार्म बनाना पड़ेगा लगता है। बस कॉमन होता ना, हम आयरन फार्म बनाए कि ना बनाए, अगर आप बोलोगे तो हम मैं बनाऊंगा, वरना बाहर में जाए आयरन फार्म। मेरे पास ऑक्सीजन भी पड़ा हुआ है, चलो चलते हैं अपना नेदराइट वो नेदर बनाने। ऐसे मैं यही सोच रहा था कि कहाँ पर बनाऊँ यार, ये कहाँ है भाई ऑक्सीजन, ये 18 ही हैं, काफ़ी है। मेरे को रूइन पोर्टल से मिल गए थे, बहुत बढ़िया, और 2-3 तो मैं लावा से लाया था, तो इनका क्या करूँ यार, कहाँ लगाऊँ। मैं शुरू में छत के ऊपर लगाऊँ, अभी ना फ़िलहाल के लिए ना अपने घर में ही बना लेते हैं, तो फिर मैं ना इसको बाद में शिफ्ट कर दूँगा, क्योंकि मेरे पास डायमंड की पीक सी पड़ी है। हाँ गाइस इधर बनाते हैं, चलो। तो गाइस अब इधर ही रहने देंगे, है ना, हाँ इधर ही रहने देंगे, या फिर मैं शिफ्ट कर दूंगा ऊपर, ऊपर की तरफ ऐसे सीढ़ी डाल दूंगा, शिफ्ट कर देंगे फिर। वैसे चलो गाइस रहने ही दो, क्या करेंगे अब इतनी, इसको तोड़ो। गाइस बंद तो जाना चाहिए यार, इस पहले सारी ऑक्सीजन लगाते हैं, मेरे पास शायद बच भी जाएंगे। ऑक्सीजन से और क्या बनता है, मेरे को कमेंट में बताना। गाइस यहाँ पे, अबे अबे भाई जला क्यों नहीं, भाई जला क्यों नहीं, एक सेकंड भाई एक सेकंड। तो गाइस फाइनली हमारा पूरा नेदर बन चुका है, तो चलते हैं इसके अंदर, उतनी देर से बन नहीं रहा था यार, देखते हैं क्या होता है नेदर में, क्या क्या मिलता है। कब होगा यहाँ, तो हम पहुंच चुके हैं, यहाँ पर आ गए। तो गाइस हम नेदर में आ चुके हैं फाइनली। गाइस मेरे को थोड़ा बहुत तो पता नहीं चीज़ों के बारे में, और ये ब्लॉक कौन से हैं, और भाई ये कैसे टूट रही है।
ओए अब बेटा अगर घास ने मेरे को मार दिया ना कसम से बहुत मारूंगा मैं बस यार। ओ भाई ओ भाई सो उत्तरी मर गई भाई सब पहले उत्तरी ये कौन है बे वे मतलब मैं कि वो इसके बच्चे स्लाइम अबे अबे भाई क्या हो रहा है यार मेरे भाई कुछ बचाओ मेरे को तो गाइस जहाँ मैं बच के आ गया और मैं अपना प्रोटेक्शन कर रहा हूँ घास्ट के थ्रू यार वो वाला सीन एकदम बेकार था मेरी बेइज्जती कर दी अब छोड़ो घास वास्ट गई भाड़ में चलते हैं ऊपर ये तोड़ते हैं भाई यहाँ पर अबे यार क्या दिक्कत है भाई सामने आ जा उत्तरी मार मत यार तूने अभी मेरे भाई साहब भाई ये नेदर क्वार्ट्ज है ना यार अभी यहाँ पे मेरे को गोल्ड नगेट मिले थे मैंने वो तोड़े और भाई मेरे को ये लोग मारने लग गए और अब यार ये मेरी घास से अलग फट रही है चलो कोई ना भाई ये नेदर क्वार्ट्ज का क्या करें अरे पहली बार नेदर में आऊँ सर्वाइवल में वो भी नवाई में गाइस मेरी फटती थी नेदर में आने से चलो भाई इससे 28 मिल गए बढ़िया ये कहाँ है बे एक बार शक्ल दिखा दे भाई फिर रहियो कहाँ है बे भाई एक तो शक्ल भी नहीं दिखाती गाइस यार ये गाइस ये ग्लोस्टोन है ना इसको तोड़े क्या मिलता है ओ भाई कहीं ये मेरे को मारने लग जाए दोबारा चलो नहीं मारेंगे यार नहीं मारे इससे ब्लॉक बन जाएगा कमेंट बताना ज़रा तोड़ते हैं ये गाइस अभी के लिए इतना काफ़ी है तो ओ भाई कितना हो गया अभी थोड़ा बहुत एक्सप्लोर और करते हैं भाई कोऑर्डिनेट्स याद रखने हैं यार मैं तो भूल जाता हूँ भुलक पड़ूँ अगर मैं खोगा तो आप बता देना कोऑर्डिनेट्स ठीक है भाई ये थोड़ा घूमते हैं इधर तो बस मैं थोड़े बहुत याले ब्लॉक लेकर जा रहा हूँ मेरे यार मेरे को ब्लॉक अच्छे लग रहे हैं पता नहीं क्यों गाइस मेरे को बताना इस ब्लॉक का क्या काम है कोई काम नहीं है तो बता देना है ओ तेरी इसकी भैंस की अब कोई आए ना बस मारने भाई मेरी गाइस मैंने सुना है कि हम पिगलिंग से ट्रेड कर सकते हैं गोल्ड से अबे भाई लावा बंद नहीं हुआ कहाँ कहाँ से आ गया बे चल भाई इन्वेंट्री तो बस और भाई अभी जब मैं आया था ना यहाँ पर अबे मैं यहाँ पर आया था तो भाई पता है ये लोग ना पिगलिंग में तो मारने लग गए तो मैंने थोड़ी रिसर्च करी तो भाई मेरे को पता लगा भाई ये लोग इसलिए मार रहे क्योंकि ये मैग्मा ब्लॉक क्यों मतलब ताकि हमारे पास ना कोई गोल्ड का आर्मर में से जैसे बूट लेगिंग्स या फिर कुछ ना कुछ होना चाहिए भाई ये ब्लॉक देखते कितने हो गए हमारे पास एक स्टैक तो मैं एक स्टैक लेकर जा रहा हूँ हाँ हो गए एक स्टैक मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करते हैं और फिर चलते हैं फिर अपने घर बस कैसी चीज जगह है भाई यार नेदर पहले तो मेरे को ये भी नहीं पता था नेदर नाम की चीज होती है अबे भाई अभी इसी ने मेरे को मारा भागो आ जा घास मैं तेरे से पंगा नहीं ले रहा घास मैं तेरे से पंगा नहीं लेना चाहता ओ तेरी मर गई भाई मैंने दो दो बार घास को मार दिया भाई क्या खुशी यार अब भाई अब मेरे को घास से उतना डर नहीं लग रहा और मेरे दोस्त ने बताया कि घास ना हमारी एक दो एचपी छोड़ती है
मैंने सोचा कि एक बार चलेंगे ना इधर में यार, ये अच्छा वो उस साइड जा रहा है, मेरे को लगा यार मेरे को मानने आ रहा है। देखो तो गोल्ड नगेट्स, अभी मैं गोल्ड नगेट्स तोड़ने के चक्कर में ही, भाई नहीं तोड़ रहा भाई मैं, ये लोग मारते हैं अभी अभी, मतलब मैं भाई मैं सोच रहा हूँ एक बार कभी नीचे चलेंगे। भाई मार मत दियो यार भाई, क्रॉसबो यार मैं भी बनाऊंगा क्रॉसबो। यहाँ पे थोड़ा ये है क्वार्ट्ज ब्लॉक, इसे तोड़ते हैं। मैंने अगर क्वार्ट्ज ब्लॉक अगर इससे कोई बढ़िया सा ब्लॉक बनाना तो हम उसको अपने घर में लगाएंगे। अबे भाई इसको लगाते हैं, चलो अब तोड़ते हैं। कहाँ है बे, बच गया भाई, आजा बच गई, अपनी फटती मेरी तेल से, आधा आधा गई। चलो यार मैंने कलेक्ट तो कर लिया है बहुत सारा, अब यहाँ पे क्या करना है यार। कहाँ बे, मेरे को अपना घास से फाइट लेने में मजा आ रहा है यार, घास जल्दी यार मेरे से फाइट कर। अबे भाई तू मत आ यार, घास आ जाए बस यार, ये इसका नाम क्या है इस प्राणी का। अबे भाई चलो भाई, नैदर वैदर नहीं घूमना, चलो मेरी इससे फटती है तो गाइस चलते हैं हम लोग वापस, चलते हैं भाई। नहीं मार देगी यार जान से, नहीं यार इस जीप का क्या नाम है जो तो? अरे भाई कब तक जाएंगे अपने वर्ल्ड में। हाँ चलो पहुँच गया। तो भाई जो मैंने पहले ये बनाया था नैदर, तो मेरा नैदर बन क्यों नहीं रहा था आप कमेंट में बताना। तो गाइस आज के लिए मतलब नैदर में इतना काफ़ी है, अब कभी और चलेंगे ये। वैसे जो भी हम नैदर में सामान लाए हैं ना उसको देखते हैं क्या क्या लाए हैं। एक तो ये 64 ब्लॉक, इसको हम देखते हैं। और ये इसका करना क्या है भाई, इसको हम पहन लेते हैं अभी क्योंकि अब तो उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। और इसको रखवा देते हैं अभी, रखवा देंगे छोड़ो, क्योंकि तो इससे कितने नेदर ब्लॉक बनते हैं, 10 बन रहे हैं। चलते हैं भाई, पूरे 10 बन गए। अब इसे इस साइड रखते हैं और लगा कर देखते हैं, बढ़िया तो लग रहे हैं। चलो गाइस कभी लगाएंगे। तो गाइस अभी मुझे ग्लोस्टोन मिला था, पूरा 64 मिले हैं, मैंने आपके सामने लिए हैं। तो देखते हैं यार ग्लोस्टोन से क्या बनता है, 16 ग्लोस्टोन बन रहे हैं तो बना लेते हैं, और थोड़ा बहुत रहने देते हैं, पता चले कहीं बाद में काम आए तो उसको इसमें रखवा देते हैं। और ये ग्लोस्टोन डस्ट, तो गाइस जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि हम गए थे नैदर थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए कि नैदर में होता क्या, तो वहाँ पर हमारे पीछे एक तो पिगलिंग पड़ गया, और आपने जो पता नहीं वो अजीब प्राणी, ये क्या नाम है उसका, एक हरा हरा सा, मैं उसका भी नाम भूल गया, पता नहीं जो भी है कमेंट में बताना। हाँ स्लाइम, उसकी तरह एक प्राणी आया, उसके 4-5 मैंने उसको मारा, उसके 4-5 बच्चे आ गए पता नहीं कहाँ से, उन्होंने मेरे को मार दिया। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।